और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आपको अगर कोई बहुत बुरा सपना दिखाई देता है तो उसके बुरे प्रभाव को आप काट सकते हैं। टक्कू, कबूतर फूड खाएगा। कबूतर गुड बॉय फूड खाने आए। हेलो हेलो फूड कबूतर। हेलो फूड फूड खा ले। देख जलनखोर कुत्ता भी देख रहा है। फूड खा ले कबूतर। जलनखोर कुत्ता भी है मेरे पास। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। दरअसल दोस्तों आज ना हुई है बारिश कमाल की सुबह 9 बजे करीब। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, इस वजह से गर्मी लगने लगी और पसीना आ रहा है। इन बारिश हुई तो मजा आ गया, मुझे ऐसा लगा कि मानसून आ गया, लेकिन फिर सोचा नहीं इतनी जल्दी तो नहीं आ सकता। खैर गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखो। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे हैं कि भाई ज्यादा बकवास मत किया करो, मेन मुद्दे में आया करो, जो टाइटल लिखते हो वो मुद्दे की बात पहले किया करो और ये सब बाद में करना। तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर टॉपिक देखने के लिए ही मेरे ब्लॉग में आते हैं, तो प्लीज उन लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अब से मैं वो टॉपिक जहां से शुरू हुआ है ना, मतलब जिस मिनट जिस सेकंड से वो टॉपिक शुरू हुआ है उसे मैं अपने कमेंट सेक्शन में लिख के पिन कर दूंगा। तो आप डायरेक्टली उस टाइमलाइन को यानी उस टाइम को क्लिक करना, आप डायरेक्टली उस वीडियो के उस पार्ट में पहुंच जाओगे जहां पर मैंने उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। और मैं व्लॉगिंग करना इसलिए बंद नहीं कर सकते क्योंकि मैं काफी टाइम बाद अपने आप को पहचाना हूं, मतलब यूट्यूब चालू किए मुझे हो गए हैं 1 साल से ज्यादा। और इन 1 साल से ज्यादा समय में मैं ये समझा कि मैं जब व्लॉगिंग करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, इस वजह से मैं दिन के 2 वीडियो डालने लगा। मुझे अच्छा लगता है जो मैं शाम को वीडियो डालता हूँ, उस टाइप की वीडियो बनाना भी अच्छा लगता है, लेकिन ना मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है अपनी डेली लाइफ आप लोगों से शेयर करने में। आप लोगों से ऐसा लगता है कि मैं बस बात कर रहा हूँ, अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। तो मैं व्लॉगिंग करना नहीं छोड़ सकता गाइस। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो बिल्कुल देखो, मैं कोशिश करूंगा ये थोड़ी सिचुएशन ठीक हो जाए ना तो मैं बाहर घूमूंगा, आपको दिखाऊंगा, अच्छी अच्छी जगह लेके जाऊंगा, ढेर सारी जगह घुमाऊंगा। लेकिन अभी मजबूरी आप खुद समझ सकते हैं। तो अभी अगर आपको मेरी लाइफस्टाइल अच्छी लगती है देखना मेरे साथ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो मेरे वीडियोस देखते रहिए। एक कमाल की खुशखबरी ये है कि मेरा इंस्टाग्राम वापस आ गया, मतलब शैडो बैन हो गया था और मैं अपने इंस्टाग्राम में कुछ काम नहीं कर पा रहा था। मतलब शैडो बैन का मतलब ये होता है, जिन जिनको नहीं पता होगा, कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं ना वही लोग मेरे इंस्टाग्राम को देख पा रहे थे, और जो लोग फॉलो नहीं करते उन तक मेरा इंस्टाग्राम रीच ही नहीं कर पा रहा था। इस वजह से मेरे इंस्टाग्राम पूरा ठप पड़ गया था और लगातार फॉलोअर गिरते जा रहे थे। लेकिन अभी खुशकिस्मत की बात यह है कि आज सुबह मैंने चेक किया तो सब कुछ नॉर्मल है, अब मैं लाइव भी आ सकता हूं। अभी तक मैं लाइव भी नहीं आ पा रहा था और ये पिछले 1 महीने से नॉन स्टॉप चल रहा था। शायद ये 1 महीने के लिए बंद किया गया था। 26 अप्रैल को मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, वो शायद इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ थी, तो इस वजह से मेरा शायद वो वीडियो बंद कर दिया गया था। लेकिन अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया और मैं बहुत जल्दी इंस्टाग्राम में लाइव आने वाला हूं। इसलिए अगर इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा की लिंक है, डायरेक्टली वहां पर क्लिक करके पहुंच जाओ। कोशिश करूंगा कि आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं ना तो आज ही शाम को आने की, पता नहीं जब भी आऊंगा इंस्टाग्राम में नोटिफिकेशन जरूर दूंगा। तो गाइस जुड़ जाओ यार, जुड़ जाओ, मैं बहुत खुश हूँ, इंस्टाग्राम मेरा नॉर्मल हो गया। यस यस टकू, क्या देखते रहते बाबू वहां पे बाहर तू खड़े होके? सुन ना बाबू, आज क्या वीडियो बनाऊ टक्कू, क्या बनाऊ ब्लडी सत्य में शाम वाला, क्या बनाऊ बताना। हंस के आ रहा है, वीडियो कौन सा बनाऊ, हंसने वाली कोई बात नहीं पूछा, ऐसे हंसने वाली बात पूछा। देख पसीना कितना आ रहा है ना बाबू, तेरे को भी गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी है ना बच्चा, है ना। वो देख छोटा सा बच्चा दिख रहा है, ये कौन कुत्ता है? टक्कू को भी गर्मी लग रही है, बोले क्या देख रहा है? क्या है कि टक्कू की बॉडी में पिंपल्स आ रहे हैं, जैसे कि उसका ये जो गला है ना, ये यहाँ पे उसको पिंपल आ रहा है, यहाँ पे सर में पिंपल आ रहा है, तो बॉडी के कुछ कुछ पार्ट्स में जैसे इंसानों को पिंपल आते हैं ना वैसे पिंपल आ रहे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तक नहीं था, अभी जब से ये बारिश का मौसम आया है तब से ही शुरू हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बारिश की वजह से होगा, बारिश में पिंपल क्यों आएंगे। मैंने इंटरनेट में सर्च किया तो उसमें ये बता रहा है कि प्यूबर्टी की एज, इनकी भी प्यूबर्टी की एज होती है, उस वजह से इनको पिंपल आते हैं। अगर ऐसा है तो कोई अच्छी, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं यार, आप बताओ ना, आपको पता है तो
ऐसा क्यों हो रहा है, और मतलब ऐसा हो रहा है तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं प्लीज। टक्कू समझ में नहीं आ रहा है क्या कंसेप्ट बनाऊंगा शाम को, तू बता दे कुछ आइडिया है तो, तू तो आइडिया लाल कुत्ता है मेरा, कहाँ भागेगा कुत्ते साले, कहाँ भागेगा कुत्ते, कहाँ भागेगा तू। हाँ हाँ, ये हंसता है ना ऐसे, हंसता क्यों रहता तू, हाँ क्या मजा आ जाता है तेरे को ऐसा हंसने में, हाँ काटेगा, काट के दिखा, काट के दिखा, मान जाऊंगा तेरे को, काट के दिखा साले, काट के दिखा तेरी तो, कट कट। कुछ कुछ लोगों की कैसी सोच रहती है ना, आज मैंने कल के वीडियो में कमेंट पढ़ा, किसी ने बोला था कि आपका कुत्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत है, और एक बड़े यूट्यूबर को किसी भी कारण से एक इंडियन कुत्ते को नहीं पालना चाहिए, क्योंकि इंडियन कुत्ते बहुत ही ज़्यादा बदसूरत होते हैं, गंदे दिखते हैं, और ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। उसने बहुत गंदा कमेंट लिखा था, उसने लिखा था इंग्लिश ब्रीड के कुत्ते, सुंदर खूबसूरत दिखने वाले कुत्ते पालने चाहिए। तो ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों की सोच बहुत ही ज़्यादा घटिया है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है, क्योंकि ये भी भगवान ने बनाया इन्हें भी, और उन कुत्तों को भी भगवान ने बनाया। और रही बात कि इंडियन को मैंने क्यों अडॉप्ट किया और लोग क्यों अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि जो इंडियन की लाइफ होती है ना, इंडियन स्ट्रे डॉग की, वो बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है। अगर आप उन्हें पालते हैं ना, तो इससे आप उनको एक जीवन दान दे रहे हैं, आप बहुत बड़ी दुआ ले रहे हैं। और जो इंग्लिश ब्रीड वाले कुत्ते हैं वो तो इंडिया के होते भी नहीं है, उनको इंडिया से बाहर बहुत सारे लोग अडॉप्ट कर ही लेते हैं, लेकिन जो इंडियन स्ट्रे डॉग है ना, वो लोग सड़क पे ही सड़ते रहते हैं और फिर उनकी बहुत ही गंदी मौत हो जाती है। तो इससे अच्छा कि कुछ अच्छा काम करना है तो इन लोगों को अडॉप्ट करो और इन लोगों के साथ रहो, इन लोगों की हेल्प करो, तो कितनी दुआएं मिलेगी आपको पता भी नहीं है। तो ऐसे कमेंट करने से पहले आप अपनी सोच बदलो। शाम के 7 बज रहे हैं और मेरी पूजा करने का टाइम हो रहा है। फिलहाल अगरबत्तियां जलेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे फैन ऑन है, तो मैं अगरबत्ती जला के फटाक से आता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मैं डेली हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, लेकिन भगवत गीता का 2 दिन का गैप हो गया है, लेकिन उतना बड़ा मैटर नहीं करता है, गैप चलता है, गैप होना हो सकता है, मतलब कोई उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एक बार पढ़ रहे हो तो पढ़ के खत्म कर दो, ये बेटर है। मेरे 3 अध्याय हो चुके हैं, मैं आज भी नहीं पढ़ पाऊंगा शायद, मैं कल से कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि बहुत सारे काम अटके हुए हैं, लेकिन मैं भगवान को अगरबत्ती लगाना नहीं छोड़ सकता। हनुमान चालीसा बहुत जल्दी रीड करके हो जाती है, इसलिए आज मैं वो कर ही लेता हूँ कम्प्लीट अपनी, फिर मैं कल से भगवत गीता कंटिन्यू करूंगा। जो या पढ़े हनुमान चालीसा हुए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदरी चेरा कीजे नाथ दाम हडेरा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता से हृदय बसो सुरपुर बोलो बजरंगबली की जय। तो इस तरह से मेरी शाम की पूजा कंप्लीट होती है, और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आपको अगर कोई बहुत बुरा सपना दिखाई देता है तो उसके बुरे प्रभाव को आप काट सकते हैं। गाइस, तो फाइनली अब वक्त आ गया है उस घड़ी का, जिस घड़ी के लिए आप लोग हमेशा इंतजार करते हैं, मतलब कि अब मैं बताने जा रहा हूं कि वो कौन से ऐसे 5 उपाय होते हैं जिनकी मदद से आप बुरे सपने के प्रभाव को काट सकते हैं। दरअसल दोस्तों, जब भी आपको कोई बुरा सपना दिखाई देता है ना, तो वो आपकी लाइफ में बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालता है। वो ऐसे कौन से 5 खतरनाक सपने होते हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं, मृत्यु तुल्य आपको दुख मिल सकता है, या फिर किसी की मृत्यु भी हो सकती है, ऐसे सपने इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। मैंने अपने पहले के एक वीडियो में इसके बारे में डिटेल आप लोगों को बता रखा हूं, अगर आप लोगों को उसके बारे में जानना है कि वो ऐसे कौन से 5 सपने, आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप क्लिक करके डायरेक्टली वो वीडियो देख सकते हैं कि वो कौन से ऐसे 5 सपने होते हैं जिनको देखने से आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत बुरा दुख मिलेगा। दोस्तों, अब मैं बताता हूं आपको उपाय, अगर आपको ऐसे सपने दिख जाए तो आपको क्या करना है इनके बुरे प्रभाव से बचने के लिए। आपको क्या करना है कि अगली सुबह उठते से ही सबसे पहले हो सके तो शिव मंदिर जाइए और शिवलिंग के सामने जल चढ़ाइए, और जल चढ़ाते हुए 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे क्या होगा, जो कोई भी बुरा सपना आप देखेंगे उसका प्रभाव तुरंत कट जाएगा। अगर आप शिव मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पौधे में उठ के तुरंत नहाइए और तुलसी के पौधे में जल चढ़ा के तुलसी के पास में, जैसे कि आप तुलसी के कानों में कुछ कह रहे हैं, वो बुरा सपना बता दीजिए, इससे भी बुरे सपने का प्रभाव खत्म हो जाता है। तीसरी चीज, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ सपने बहुत ही ज्यादा डरावने होते हैं जिसे देखकर हमारी रूह तक कांप जाती है ना, तो तुरंत रात में हमारी नींद खुल जाती है वो सपना देखते से, तो ऐसे जब कभी भी हो ना, आपकी तुरंत नींद खुले ना,
तो नींद खुलते से ही अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो 5 बार पढ़ ले। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मे वंदनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ये होता है महामृत्युंजय मंत्र। ये मतलब बहुत ही पावरफुल मंत्र होता है भगवान शिव का। ये मंत्र अगर आपने 5 बार पढ़ लिया ना तो आपको बुरा सपना नहीं आएगा और ना ही उसका जो बुरा प्रभाव आपकी जिंदगी में पड़ सकता है वो पड़ेगा। और आपको मृत्युंजय मंत्र याद नहीं हो रहा है तो 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए और फिर वापस से सो जाइए, आपको नींद आ जाएगी। चौथी चीज दोस्तों, जिस दिन भी आपको वो सपना दिखाई दे, मान लीजिए आज अगर संडे है और संडे को आपको वो सपना दिखाई देता है तो आपको अगले दिन सुबह उठ के अगले संडे तक मतलब डेली आपको डेली नहाने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करना है। एक माला जो 108 की माला होती है ना, डेली एक माला आपको पढ़ना है इस संडे से लेकर अगले संडे तक, तो कितना भी बुरा प्रभाव हो सपने का कट जाता है। और अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना है 21 दिनों के लिए। आने वाले बुरे सपने का प्रभाव अपने आप कम होते 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 21वें दिन तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आई होप कि आप इन 5 उपायों में से कोई भी उपाय कर लें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर फिर भी कोई परेशानी सता रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर से मैं कह रहा हूँ, ये कोई टोटका नहीं है, ये स्वप्न शास्त्र में लिखी हुई चीजें हैं, इसलिए टोटका बोल के इस चीज को मजाक उड़ाने की कोशिश ना करें। ये सीधे सीधे हमारे वेदों से रिलेट करती है, हमारे शास्त्रों से रिलेट करती है और हमारे भगवान से रिलेट करती है। कोई भी बुरा कमेंट करने से पहले ये जरूर सोच ले। कल की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि वो ऐसे कौन से सपने होते हैं जिन्हें देखने के बाद आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर या फिर आपके परिवार के ऊपर किसी ने काला जादू करके रखा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, तो मेरे कल के वीडियो का इंतजार करना व्लॉग वाला, और शाम को तो मेरा एंटरटेनिंग वीडियो आएगा ही, उसे भी जरूर देखना। और अगर पहली बार मुझे देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन करके ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो डेली 3 में लेके आता हूं। सुबह व्लॉग, दोपहर में एक शॉर्ट्स और तीसरे में मिलेगा यानी शाम को आपको मिलेगा मेरा एक बहुत ही अनोखा एंटरटेनिंग वीडियो जिसमें मेरा अलग अंदाज आपको देखने मिलेगा। दोस्तों मुझे यकीन है आपको पसंद आएगा। इंस्टाग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली पहुंचे। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना मत भूलना। मैं तो अभी जा रहा हूं तारक मेहता देखने और फिर सोऊंगा, मेरा फेवरेट शो है।